हेलो फ्रेंड, आज हम खादिम्स इंडिया लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, करेंगे उसका ब्रांड ओवरव्यू, जानेंगे कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में, जानेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और भी बहुत कुछ कंपनी से रिलेटेड चीजें जानेंगे। और हाँ, लास्ट में हम कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तू समझा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अबाउट द कंपनी, खादिम्स एस्टेब्लिश हुई थी इन 1981 में आज एसएन फुटवेयर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। तब कंपनी इन्वॉल्व थी इन होलसेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांडेड बेसिक यूटिलिटी फुटवेयर बिजनेस में, लेकिन इन 1993 में कंपनी एंटर हुई रिटेलिंग बिजनेस में और एमर्ज हुई एज ए पॉपुलर फैशन फुटवेयर ब्रांड में। कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव रहा है फैशन फॉर एवरीवन और कंपनी अफोर्डेबल फैशन ब्रांड के लिए जानी जाती है। कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर है इंडिया में। कंपनी की लार्जेस्ट प्रेजेंस है ईस्ट इंडिया में। कंपनी साउथ इंडिया में टॉप 3 प्लेयर्स में आती है और कंपनी की लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेल फ्रेंचाइज नेटवर्क है इंडिया में। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी फुटवेयर को, जिसमें फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल शूज, सैंडल, स्लीपर्स, स्पोर्ट्स शूज एंड स्कूल शूज शामिल है फॉर मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। द कंपनी की ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में 5% का मार्केट शेयर है विद अराउंड 10 ब्रांड्स एंड 9 सब ब्रांड्स इन एवरी प्राइस ब्रैकेट। अगर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो कंपनी के पास 774 ब्रांडेड आउटलेट्स हैं, जिसमें से कंपनी 215 आउटलेट को ओन करती है एंड ऑपरेट करती है और बाकी 559 आउटलेट्स फ्रेंचाइज रन है एंड मैनेज है Across 23 state and 1 union territory under the Khadim's brand name। कंपनी का 73% रिटेल प्रेजेंस फ्रेंचाइज रूट के थ्रू आता है। कंपनी के 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और 628 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो सप्लाई करते हैं मल्टी ब्रांड आउटलेट में इन इंडिया। कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इन पानपुर एंड कस्बा वेस्ट बंगाल में। इसके साथ ही कंपनी वर्क कर रही है 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। कंपनी अपने रिटेल बिजनेस का 91% प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट आउटसोर्स करती है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओन करती है। अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इन नवंबर 2017 में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर रिलायंस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने स्टेक को सोल्ड किया था IPO के थ्रू, जिसके चलते कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज में। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी ने फोकस किया कि वो एनहांस करेगी अपने रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को, जिसके चलते उसने इंट्रोड्यूस किया स्पेसिफिक वेरिएंट को उसके स्पोर्ट्स सब ब्रांड प्रो के डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी का इंटेंट है कि वो एनहांस करेगी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, जिसमें वो इम्प्लीमेंट करेगी न्यू स्टाइल्स को स्पेशली फेस्टिव पीरियड के लिए, जिससे वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएगी और एक्सपांड करेगी इन वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया में। कंपनी फोकस करेगी कि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा और उसकी वेबसाइट के थ्रू। और साथ ही कंपनी एक्सपांड कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को वेस्ट बंगाल में और उसके नेबर स्टेट्स में फ्रेंचाइज नेटवर्क के थ्रू। अब जानते हैं कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम डिवीजन के बारे में। कंपनी का 54% रेवेन्यू रिटेल फुटवेयर से आता है, कंपनी का 42% रेवेन्यू होलसेल फुटवेयर से आता है और बाकी अदर से आता है, जिसमें एक्सपोर्ट शामिल है। अब करते हैं कंपनी का ब्रांड ओवरव्यू। कंपनी के पोर्टफोलियो में ब्रिटिश वॉकर, टर्क, लेजर्ड, खादिम्स, सैरॉन, सिलियो, सॉफ्ट टच प्रो, एड्रीना,
बोनीटो जैसे ब्रांड शामिल हैं। अब जानते हैं कंपनी की पूरी जर्नी के बारे में। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक की कंपनी की पूरी हिस्ट्री के बारे में। कंपनी में जो भी इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। अब जानते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। मिस्टर सिद्धार्थ रॉय बर्मन जो कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर हितिक रॉय बर्मन जो कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं। मिस्टर रिटोबैन रॉय बर्मन जो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर इंद्रनाथ चटर्जी जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुरभि बैनर्जी जो कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर आलोक चोतमल चुरीवाला जो कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। आप जानते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर के पास कंपनी का 61.07% स्टेक है। पब्लिक के पास कंपनी का 24.29% स्टेक है। DIIs के पास कंपनी का 14.63% स्टेक है। FIIs के पास कंपनी का 0% स्टेक है। अगर प्रमोटर प्लेजिंग की बात करे तो 0% स्टेक प्लेज है जो एक गुड साइन है मैनेजमेंट को लेके। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है खादिम शूज बांग्लादेश लिमिटेड। नाइटविल्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। कंपनी का IPO आने से पहले नाइटविल प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी में 50.51% की होल्डिंग थी जो IPO के बाद 48.63% हो गई है। अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। कंपनी का टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। टोटल रेवेन्यू इन लास्ट 3 ईयर्स में -7.17% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। EBITDA इन लास्ट 3 ईयर्स में -60% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का EBITDA मार्जिन इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। EBITDA मार्जिन इन लास्ट 3 ईयर्स में अबव 4% रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन लास्ट 3 ईयर्स में -215% CAGR से ग्रो हुआ है। कंपनी का पैट मार्जिन इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। पैट मार्जिन इन लास्ट 3 ईयर्स में उतना अच्छा नहीं रहा है कंपनी का। अब करते हैं कंपनी का बेसिक रेशियो एनालिसिस। कंपनी का करेंट रेशियो इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। करेंट रेशियो का थंब रूल है 2:1, यानी अगर ये रेशियो 2 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का क्विक रेशियो इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। क्विक रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का थंब रूल है 1:1, यानी अगर ये रेशियो 1 से कम हो तो बेटर। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, यानी 5 या 6 टाइम से ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन लास्ट 3 ईयर में ये रहा। ये रेशियो जितना ज्यादा हो उतना बेटर, यानी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को जल्दी से बेच पा रही है। कंपनी का EPS इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। EPS जितना ज्यादा हो उतना बेटर, ताकि हमें ज्यादा डिविडेंड मिले। कंपनी का ROE इन लास्ट 3 ईयर्स में ये रहा। एज एन इन्वेस्टर ROE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROCE इन लास्ट 3 ईयर में ये रहा। एज एन इन्वेस्टर ROCE 20% या उससे ज्यादा हो तो बेटर। कंपनी का ROA इन लास्ट 3 ईयर में ये रहा। ये रेशियो जितना हाई हो उतना बेटर, इससे आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगी तो पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, ड्यू डिलीजेंस को अप्लाई करें और फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। किसी के भी कहने पर शेयर्स को बाय या सेल ना करें। कंपनी के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट और दूसरी जेन्युइन वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।